जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ बढ़ता गया, वैसे ही प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी हो गया। अब पावर सिस्टम का नेटवर्क जितना बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा वोल्टेजेस से हमको डील करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हमको प्रोटेक्टिव सिस्टम्स का भी ध्यान देना होता है कि अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको प्रोटेक्शन कैसे दी जाए, या फिर आपको मैन्युअली भी अगर स्विच ऑन स्विच ऑफ़ करना होता है तो कैसे किया जाए। उसके अंदर होता क्या है कि अगर आप कोई सिस्टम नहीं लगाते हो तो वहाँ पर अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसका जो स्विचिंग का टाइम है वो डिले हो जाएगा। अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है, मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ गया, तो अब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो तो रुक जाएगा, तो कस्टमर को उतनी देर वेट करना होगा कि जब तक आप उस फॉल्ट को चेंज कर दें। तो इसीलिए स्विच गियर की जो इंपॉर्टेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर पढ़ेंगे, स्विच गियर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से स्विच गियर काम करता है ये हम देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके डिटेल में जाएंगे, सर्किट ब्रेकर रिले सबके बारे में हम डिटेल में देख लेंगे। तो मेन जो स्विच गियर की डेफिनेशन है वो है द एपरेटस यूज फॉर स्विचिंग कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इक्विपमेंट इज नोन एज स्विच गियर। इसका मतलब है कि वो एपरेटस या फिर वो इक्विपमेंट्स जो कि आपके पावर सिस्टम के अंदर या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बचाने के लिए काम में आते हैं, जो भी स्विचिंग करने के काम में आते हैं, कंट्रोलिंग करने के काम में आते हैं, प्रोटेक्टिंग करने के काम में जो भी अपरेटस काम में आते हैं, वो आपके स्विच गियर के अंडर आते हैं। स्विच गियर का मतलब ही यही है कि स्विचेस से खेलना, मतलब स्विचेस के इर्द गिर्द बात होती है यहाँ पर। अब स्विच करता क्या है? स्विच करता है सर, आपके जनरेटर में अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट आ गया या फिर आपको जनरेटर को बंद करना है, अभी काम में नहीं आ रहा है, तो आप स्विच का काम में लेंगे। तो इस तरीके से अब आपके कोई फॉल्ट आ जाता है, लो वोल्टेजेस पर कोई फॉल्ट आता है तो आप फ्यूज़ यूज़ में ले लेते हैं, हाई वोल्टेजेस की बात करते हैं तो हम सर्किट ब्रेकर्स की तरफ जाते हैं। तो ये सारा काम स्विच गियर के अंडर हो जाता है। स्विच गियर के कुछ फीचर्स की बात कर लूँ तो कंप्लीट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितना ज़्यादा काम हो रहा है, कितना एक्यूरेट काम हो रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए कस्टमर को रिक्वायरमेंट है 24/7 लाइट की, इतनी रिक्वायरमेंट है कि उसको पूरे वीक लाइट चाहिए, या फिर आप उस कह सकते हैं कि मान लीजिए उसको 14 आवर्स लाइट चाहिए एक दिन में, तो उसको 14 आवर्स लाइट या एनर्जी उसको जा रही है या नहीं जा रही है, वो कितनी रुक रुक के जा रही है, कितनी एक्यूरेटली जा रही है, ये काम होता है रिलायबिलिटी का। तो स्विच गियर जो भी है वो रिलायबल होना चाहिए कि अगर आपके कोई फॉल्ट आ रहा है तो आपका जो जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफ़र है वो रुकना नहीं चाहिए, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब है कि आपके मान लीजिए ये आपका फॉल्ट हो चुका है, यहाँ पर ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर अनहेल्दी पा यहाँ पर हेल्दी पार्ट्स है, मतलब यहाँ पर आपके इक्विपमेंट्स लगे हैं और यहाँ पर आपका फॉल्ट आ गया, तो ये जो स्विच गियर है अगर ये यहाँ पर लग रहा है तो इसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर फॉल्ट आ चुका तो मुझे आगे वाले पार्ट्स को बचा लेना है। तो इसको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि इधर वाले फॉल्ट इधर वाला जो पार्ट है वो तो हेल्दी पार्ट है, मतलब अभी ख़राब नहीं हुआ है, और इधर वाला जो पार्ट है उसके अंदर फॉल्ट आ चुका है तो मैं उसको कट कर दूँ। तीसरा ऑपरेशन है कि क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, बहुत ही फास्ट ऑपरेशन करना चाहिए, जब तक आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाए उससे पहले पहले ये काम कर देना चाहिए, तभी तो आपका इक्विपमेंट बच पाएगा। प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट, मैनुअल कंट्रोल का मतलब हो गया कि ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ काम ऑटोमेटिक ही हो जाए, आपके पास मैनुअली उसको ऑपरेट करने का प्रोविजन भी होना चाहिए कि जब आपको स्विच ऑन करना है तो आप स्विच ऑन कर लें, जब आपको स्विच ऑफ करना है तो आप स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, देखिए इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्विच गियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीखने के हिसाब से आप देखें तो पावर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको आप रट के याद नहीं कर सकते हो, इसको आपको सीखना ही होगा, और सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा तो आप उसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको कहीं पर वोल्ट मीटर लगाना हो, एम मीटर लगाना हो, या फिर वॉट मीटर लगाना हो, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आपको अगर बीच में लगाना हो तो इसके अंदर ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि आप वो अलग से इंस्ट्रूमेंट भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। ये बात होती है स्विच गियर की। अब स्विच गियर के अंदर क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए स्विच गियर के इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो मेनली चार इक्विपमेंट्स होते हैं। पहला होता है स्विचेस। स्विचेस क्या करते हैं? स्विचेस आपके सर्किट को
पर आपके सर्किट को मैन्युअली आप प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हो कि अगर आपका कोई फॉल्ट आ रहा है तो आप स्विच ऑफ कर सकते हो उसको, लेकिन स्विचेस जैसे यूज़ में लेते हैं तो वो आपके स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के काम में आता है। स्विचेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीन टाइप के स्विचेज होते हैं, एयर ब्रेक स्विच, आइसोलेटर या फिर डिसकनेक्टिंग स्विच, और ऑयल स्विचेस भी होते हैं। उसी तरीके से अगर फ्यूजेस की बात करें तो लो वोल्टेज फ्यूज, हाई वोल्टेज फ्यूज, इसके अंदर टाइप्स होते हैं, वो भी हम डिटेल में यहाँ पर देख लेंगे। सर फ्यूज़ जो होता है वो मेनली लो वोल्टेजेस के लिए काम में आता है। अगर हम ज़्यादा बड़े वोल्टेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स को काम में लिया जाता है, क्योंकि फ्यूज़ के अंदर दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक तो फ्यूज़ अच्छे से फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, दूसरा अगर वो डिटेक्ट कर भी लेता है, काम कर भी देता है, तो फ्यूज़ को क्या करना होता है कि उसको बार बार चेंज करना होता है। फ्यूज़ ऑटोमेटिकली सर्किट को वापस से क्लोज नहीं करता है कि अगर आपको कोई फॉल्ट आ गया तो यहाँ से फ्यूज़ उसको हटा तो देगा, सर्किट को हटा तो देगा, लेकिन वापस क्लोज करने के लिए आपको दोबारा से दूसरा फ्यूज़ लगाना होगा, वो पहले वाला फ्यूज़ वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए फ्यूज़ जो है वो हाई वोल्टेजेस के लिए काम में नहीं लिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा सर्किट अगर आपका है तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर को यूज़ में लेना होगा। अब आप समझ चुके होंगे सर्किट ब्रेकर की क्या क्वालिटी है। जो फ्यूज़ की क्वालिटी नहीं है वो सर्किट ब्रेकर की क्वालिटी है, कि सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेता है। फॉल्ट को मतलब फॉल्ट अगर आ रहा है तो सर्किट को ओपन भी कर देगा, और फॉल्ट जब चला जाएगा, जब आपका सिस्टम वापस से सही वर्क करने लगेगा, तो उसको वापस से क्लोज भी कर देगा। तो ये सर्किट ब्रेकर का काम है। रिलेज क्या होता है, रिलेज ऐसे डिवाइसेज होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स के टाइप आपको बता दूँ तो मेनली ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं, तो वो हम बाद में डिटेल में देख लेंगे। रिलेज की बात करें तो रिलेज कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि सर्किट ब्रेकर्स को ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि आपके फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो भी आपको सिग्नल पहुंचाना होता है वो रिलेज पहुंचाते हैं कि सर्किट में अगर फॉल्ट आ रहा है तो कौन से पार्ट में फॉल्ट आ रहा है, तो सर्किट ब्रेकर उसके बाद ऑपरेट करता है। तो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए रिलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम स्विच गियर के अकोमोडेशन की बात करें तो स्विच गियर दो टाइप से अकोमोडेट हो सकता है। पहला आउटडोर, कि आप स्विच गियर को सारे सिस्टम को, अब स्विच गियर के अंदर क्या क्या आ गया, रिलेज आ गए, सर्किट ब्रेकर्स आ गए, स्विचेज आ गया, फ्यूज़ आ गया, तो ये जो सारा सिस्टम मिल के एक स्विच गियर बनाता है। तो अब स्विच गियर अगर बड़ा हो है, बड़े मान लीजिए 66 kV के साथ डील कर रहा है या इससे बड़े वोल्टेजेस के साथ डील कर रहा है, तो स्विच गियर को आप इंडोर नहीं बना सकते, आपको बाहर लगाना होगा। तो इसीलिए जो बड़े बड़े ग्रिड्स पर आप देखते होंगे कि वहाँ पर बाहर ही सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं, बाहर ही रिलेज लगाए जाते हैं, या फिर पूरा सिस्टम जो है बाहर ही बनाया जाता है। इंडोर टाइप की अगर मैं बात करूँ तो अगर 66 kV से नीचे के वोल्टेजेस से डील करना है तो इंडोर टाइप ही होता है।